हेलो गाइस, मैं शोभित शाक्य नॉलेज अबाउट यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे बेट्टा फिश के बारे में, जिसको फाइटर फिश के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने जीवन में कई तरह की मछलियों को देखा होगा या फिर उनके बारे में सुना होगा। हर मछली की अपनी एक अलग ही खासियत होती है जो उसको खास बनाती है। इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी मछली के बारे में जिसके पंख काफी ज्यादा घने होते हैं। बता दें कि प्यारी सी दिखने वाली इस मछली का नाम है बेट्टा। इसके सुंदर पंखों की वजह से इस मछली को खास एक्वेरियम में रखा जाता है। यह काफी छोटी और खुशमिजाज होती है, जो खासकर छोटे टैंक के लिए ही बनी होती है। यह मछली अपने आप में अकेले रहना ही पसंद करती है। यह अम्लीय पानी और हल्के गर्म पानी में रहना पसंद करती है। इस मछली को ज्यादा ठंड पसंद नहीं है। यह मछली दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानीय मछली होती है। इसे चावल के खेतों में पानी में पाया जाता है। इस मछली को थाईलैंड में प्लाका के नाम से जाना जाता है और इसको वहां द ज्वेल ऑफ ओरिएंट भी कहा जाता है। लाल, नीले, बैंगनी और सफेद रंगों की इन मछलियों को कंटेनर में चलते देखना बहुत ही सुंदर लगता है। इनका आकार 6 से 8 सेमी तक ही होता है। इस मछली को आप छोटे से कंटेनर में आसानी से रख सकते हैं। यह मछली देखने में जितनी सुंदर होती है उतनी ही ज्यादा आक्रामक होती है। इसीलिए एक ही कंटेनर के अंदर 2 नर बेट्टा मछली को नहीं रखा जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि ये मछलियां आपस में ज्यादा लड़ती है, इसीलिए इनको अलग करके रखा जाना ही ठीक है, अन्यथा यह एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। नर बेट्टा मछली हवा का बुलबुला बनाती है, जिसके लिए वो बहुत सारी हवा को सोख कर पानी में छोड़ता है। इसके बाद वो मादा मछली को उस बुलबुले में चलने के लिए बुलवाता है। अगर मछली मना कर दे तो वह मादा मछली के साथ हिंसा भी कर सकता है। नर उसका पीछा करता है, उसे काटता है। आखिर में मछली जब बुलबुले वाले हिस्से में जाती है तो अंडा देने के बाद वो मादा को बाहर निकाल देता है और उन सारे अंडों की खुद हिफाजत करता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।